आपको सबको मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। कमी तुम्हारी कमी थी, सब लोग बैठ जाओ सब चाहते खड़े हो जाएंगे एक मिनट के अंदर, सब बैठे तो अरे आप लोग सामने जो है ना हट गई। अब सही है, अच्छी गर्मी पड़ने लगी है, शुरुआती है। मैं समझती हूँ 46 45 तो हो गया होगा ना। हाँ मैं तो अगर किसी एक चीज पे नंबर वन है तो गर्मी में दोस्तों सबको मात खा देता है, ये बात तो सही है। और आज करौली से आपकी तरफ आने का जो रास्ता मेरे को मिला, वाकई में कैसा रास्ता था जिसको देख के हम कोई भी खुश हो जाए। ऐसे तो बच के खाते खाते आए हैं, पर मुझे मालूम नहीं क्या ऐसा ही है क्या पूरे धौलपुर तक, बाड़ी तक बाड़ी तक। अरे बताइए साहब, आपके समय में बनी थी सड़क, वही बनी है, अब तो सब टूटी पड़ी है सब आपके समय। अच्छा मुझे इस बात का दुख है भाई जी, भाई जी मथुरा के लिए जाते जाते अपन लोगों ने पानी की स्कीम दी थी जिसमें पानी आ गई थे करीबन मुझे लगता है 80 से 84 गांव के अंदर, हमने देने का काम शुरू किया था। क्या हुआ उसका? हमारे गांव हमारा बारह गांव महाराज बारह गांव में चालू हुआ आपके समय में, जब से फिर बंद पड़ा बंद पड़ा। हाँ हमारी सरकार जब से लेते 12 गांव में पानी पड़ गया मिल गया था जी सर, तो मुझे लगा था कि वो पाइपलाइन वगैरह सब आपके पास आ गई थी तो बढ़ा नहीं क्या? नहीं बढ़ा कंप्लीट भी नहीं हुआ है पूरा 12 गांव की व्यवस्था सही है। बैठ जा रहे बिजली की क्या स्थिति है? 3 घंटे 2.5 घंटे 4 घंटे वोल्टेज भी नहीं है क्या? एक तो 32 की मैं तो बता रही हूँ ना कि जो जो हम लोगों ने अपने टाइम में काम किए थे वो सबके फीते काटे किसी और ने, ये तो हमारी नसीब की बात है। और मैं सब लोगों को यही कह रही हूँ कि एक काम रत्ती भर काम जो हम लोगों ने चालू किए थे अगर उन काम को भी पूरा कर दिया होता तो मैं समझती कि कुछ तो राहत लोगों को मिल जाती, पर वो भी नहीं किया है। पैसा अलग छोड़ के गई, मैंने कोई भी ऐसी स्कीम नहीं थी जिस स्कीम को चालू करके उसके साथ साथ पैसा नहीं छोड़ा। स्कीम के साथ पैसा और उसके पाइप उसका इंतजाम सब कुछ छोड़ के गया, खाली इसको आगे बढ़ाने के काम था, परंतु वो भी आगे किसी ने नहीं बढ़ाया। तो सड़क का मैं देख रही हूँ कि सड़क अपन लोगों ने उस समय बना के छोड़ी थी, मुझे याद है करौली टू धौलपुर की तरफ, और उसकी जो हालत बिगाड़ के रखी हुई है मैं आपको क्या बताऊँ, देखते देखते आ रही हूँ। ये यात्रा इसलिए है कि एक दफा अपने आंखों से देखने को ये मिल जाए कि वाकई में क्षेत्र के अंदर कितना काम इन 4.5 साल के अंदर हुआ है। नगर के अंदर पेयजल बिल्कुल नहीं, ये मेरे पास जो खबर आ रही है वो ये है कि हर तीसरे दिन सिर्फ 20 मिनट के लिए, हर तीसरे दिन सिर्फ 20 मिनट के लिए, और बिजली की आपूर्ति बिल्कुल 6 या 7 घंटे मुश्किल से, और वो भी वो लाइन जो मैंने महिलाओं को दी है, जो किसान वाली लाइन है वो तो मिलती नहीं है, 3 फेज वाली, वो भी मुझे लगता है कि 2 घंटे 3 घंटे आती है, वो भी ट्रिपिंग के साथ। डाम क्षेत्र के अंदर सब लोग प्यासे बैठे हुए हैं और बिजली क्यों नहीं है, इसकी वजह से खेती की मुसीबत और साथ में जो भी छोटे छोटे उद्योग थे वो भी ठप। अस्पताल के अंदर 7 पद हैं डॉक्टर के, परंतु 3 से ज्यादा डॉक्टर नहीं है, तो जांच की सुविधाएं भी कम है। मैंने जयपुर के अंदर सुना कि आराम से फ्री दवाई और फ्री जांच, क्या ये मिल रही है क्या किसी को? मिली यहाँ ये आगे वाले तो कह रहे हैं, पीछे वाले बताओ मेरे को मैं क्या भैया किसी को मिला फ्री जांच? उसके बारे में सुना तो सही होगा, सुना है ना फ्री जांच के बारे में? हाँ मेरे को खुश करने को मत करना, मुझे सही सही बता दो ताकि फिर मैं उसको आगे ले जा सकूं, पता तो कर सकूं। एक्सरे मशीन लंबे समय से खराब पड़ी हुई है, तो लंबा इसका मतलब एक्सरे नहीं होता, कहीं से बाड़ी जाना पड़ता है, करौली जाना पड़ता है या करौली या धौलपुर। चंबल लिफ्ट परियोजना के तहत ये जो कार्य तीर से आंगई बांध को पानी मिलना, तो उसमें अगर मिलता तो शायद किसानों को फायदा हो जाता, लेकिन ये भी काम नहीं हुआ है।
रोडवेज वर्कर वही अपने प्यार से, ऐसा लगता है कि टाइम निकला ही नहीं है। रोडवेज वर्कर शाम 5 बजे के बाद बंद ही है, वो तो मैंने क्या, आपका क्या फर्क हुआ है? आपके 40 साल में वो स्थिति थी, 50 साल में वही स्थिति, 65 साल में भी वही स्थिति। और ये बेचारे आप लोग तो मेरे साथ जो जवान थे मेरे साथ बूढ़े हो गए, और ये बेचारे जवान इनकी जिंदगी भी निकल जाएगी जो जो यहाँ है। आपकी सिटी जिसकी जिरी में सीमेंट फैक्ट्री लगाने की हमारी योजना थी, है ना, उसमें भी आगे कोई नहीं गया। तहसील बन गई थी लेकिन ट्रेजरी नहीं है, बिना ट्रेजरी के क्या तहसील? कर्मचारी बिल्कुल परेशान। मुख्यमंत्री दौलपुर सरमत रेल लाइन की आधारशिला रख गए जबकि केंद्र में तो बजट ही नहीं है। यही मजा है, कहीं भी जाओ आपको तो कुछ मालूम नहीं है, कहीं सीधा काट दो तो आगे बढ़ा हुआ आ गए, पत्थर रख गए, कितनी अच्छी बात है, चलो अगली बार अपने को इसके बारे में कुछ करना पड़ेगा। क्या तोड़ दिया ना, कोई ठीक किया क्योंकि वो मतलब ही नहीं है। जब कोई झूठ बोल के जाता है अभी और निकलेगी, मैं तो देख देख के हैरान हूँ, मैं तो कभी ऐसा झूठ बोल ही नहीं करती थी। नहीं होता तो नहीं होता, होता है तो होता है, वो जनता को बोलने की बात है, वो अपने विवेक से भी अपना वोट देंगे, परंतु झूठ बोलने से कोई मतलब नहीं होता। अभी आप देख रहे हो बाद में जैसलमेर वगैरह में और भी कितने कितने झूठ बोले वो सब निकल के आने वाले हैं। पत्थर उद्योग के साथ खनन और वन विभाग की पूरी तरह से लूट, आपके ट्रांसफॉर्मर बदलने का खुली लूट, माने जहां भी पैसे की जरूरत है वहां खुली लूट। और मुझे ये बताया गया मालूम नहीं देने पे झूठा बता देते हैं, पुलिस में केस दर्ज करा देते हैं, ये तो वही पुरानी आदत है, अभी तक बदला ही नहीं है। हैरान व्यापारी सब दुखी है, मैंने आप लोग नहीं, मैंने आपने नहीं दी रिश्वत तो वही बात होगी, थाने में बंद हो जाओगे, कोई केस लग जाएगा, इससे आता नहीं दो रिश्वत। वो तो मैं पेपर में पढ़ रही थी पर मुझे नहीं मालूम कि कितना लोग तो मांग रहे हैं कि भाई हम आत्महत्या इच्छा मृत्यु की हमको परमिशन दी जाए, पर वो मांगने में जो कितना हो। कल मैं करौली से निकली थी, वो केस आपके पास भी ऐसे ही हो रहा होगा, करौली के अंदर मेरे एक बूढ़े किसान, बहुत ही मैंने बूढ़े किसान ने आके वो एक वो लेके चल रहा था, क्या बोलते हैं आपकी नहीं वो मशीन नहीं लगती है, मीटर लेके चल रहा था, नया सा नया मीटर था, साथ में बिजली का बिल। उसने कहा साहब ये है मेरा मीटर, मैंने अभी अभी इसको खरीदा है, आप इसकी पैकिंग खोल के देख लो, नया का नया रखा, और ये मेरे पास बिल है, मेरे पास ना तो तार लगा है ना बिजली का कनेक्शन है, और ये 4,000 का बिल मेरे पास है। मैं कहा जाऊँ किसको बोलूँ, किसको बोलो? अब मैं अब ऐसी जगह है बेचारा, कोई किसी के पास जा ही नहीं सकता, कहाँ रोएगा? वो तो हम टकरा गए तो हमको उसने बिल पकड़ा दिया और कहा कि साहब इसकी कोई मदद कर दो, तो वो तो ठीक था, भला मानस था, हम लोगों ने रात को सुबह दबाने की उस पर उसने टेलीफोन किया, रात ही रात लाइन लग गई, रात ही रात कनेक्शन मिल गया, मैंने उससे बिल ले लिया, मैंने कहा तुम तुम्हारे अपना ये जो है वो लगवा दो, क्या बोलते हैं उसको मशीन, वो तुम लगा दो, तुम्हारा अब ये लाइन आ गई है। पर वो तो बेचारा एक था, ऐसे मालूम नहीं कितने लग रहे होंगे, कितने ऐसे लोग हैं बेचारे जो बिल लेने के घूम रहे हैं। अब मैंने सबको कह दिया, देखो हमारी मुसीबत एक धौलपुर की एक अलग है। अभी मेरे से पूछ रहे थे कि भाई आप बहुत लंबा समय लोगे, मैंने कहा लंबा समय लेने की यार जरूरत ही नहीं है, सब अपने लोग हैं, सब अपने परिवार की सदस्य हैं, इनकी कोई जात नहीं है, सब परिवार के हैं, कोई मजहब नहीं है, वो सब परिवार के हैं, और इनसे तो मेरे को खाली 10 मिनट बात करने की जरूरत है और आगे चलना है, आपका लंबा नहीं होगा, यहाँ भाषण देने की जरूरत नहीं है, संवाद की बात है। मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि जब भी सरकार अपनी नहीं है ना तब तो झड़के वोट देते हो, उल्टा ही मैंने चलना ही उल्टा है, और जब सरकार का समय आता है, टाइम आता है कि अब हम लोग वोट दे दें तो अपना भी एमएलए आ जाएगा, आ ही जाएगा, तो हो सकता है कि हमारा सब पूरा काम हो जाएगा इस क्षेत्र का, उस टाइम नहीं दो, इस बार गलती नहीं होनी है, इस बार आप लोगों को यह तय करना है कि हम लोगों को कब तक चलेगा। मैं पूरा देख रही हूँ सवाई माधोपुर से चलेगी, सवाई माधोपुर खंडा टोरा भीम सपोटरा आपके करौली हिंडोन ये आपके बसेरी और वही बाड़ी और धौलपुर और मुझे विश्वास है राजा किला,
ये सब पूरा इलाका जो है इसकी जिम्मेदारी मैं लूंगी नंबर एक दिन से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। परंतु वोट नहीं मिले तो जीत का मानी जीत के इस बार मैं लूंगी जिम्मेदारी। मैंने जब समय था 5 साल अपने को मिले तो अपना मिले नहीं। तुम्हारी सुन लूँ, मैं तुम्हारी भी सुन लूंगी, सबकी सुन लूंगी। तो अब ये जो नहीं खिला रहा है, जिसका मध्य रोड नहीं बन रहा है, उसके खिलाफ तो दोगे? वही मैं कह रहा हूँ, उसके खिलाफ यही मुसीबत है। ये जाके मस्टर रोल में नहीं मिल रहा था तो वोट देना ही है, उसमें कर दोगे तो फिर वही के वही खराब हो जाओगे। ये गलती अपने को नहीं करनी है। यहाँ मैंने पता किया तो मनरेगा का काम हो ही नहीं रहा है। पूछा कितने दिन से नहीं, तो बोलते 3 साल से नहीं चल रहा है। अपने समय के अंदर हर एक पंचायत में 1-1 करोड़ रुपया आता था और 26 लाख पूरे राजस्थान में 26 लाख मजदूर लगे थे। और जिस महिला ने 100 दिन पूरे किए उसको नौकरी मिलती थी या साड़ी। आज 1,25,000 बहुत मुश्किल से मजदूर लगे हुए हैं और जिनको 100 रुपये मिलना चाहिए प्रतिदिन का हिसाब, उन लोगों को बेचारों को 30 रुपये 20 रुपये और एक जगह में तो 1 रुपया। तो इससे अच्छा तो यह है कि इतना बड़ा मजाक करने वाले हैं तो नरेगा नहीं हो सकती। तो इसलिए मैं तो ये मान रही हूँ कि इस बार अपने को धौलपुर जिले के सब सीटों के ऊपर कब्जा करना है और वो सीट अपने पास आएंगे तो धड़ाधड़ धौलपुर जिले के काम करने में अपन पीछे नहीं रहेंगे। ये मैं आपको बता रहा हूँ। इस बार मैंने करौली को, धौलपुर को, सवाई माधोपुर को ये कहा है। बीच में बेचारा ऐसा रह जाता है गड्ढा जिसके अंदर कोई सोचता है आजू बाजू से निकल जाता है, इधर भी हो जाता है, इधर भी हो जाता है, वो बीच में पड़े रहते हैं। इस बार हमने कहा डांग क्षेत्र का विकास ये करना बहुत जरूरी था। इस बार इसलिए जब मैंने बुजुर्गों के आरक्षण की बात करी थी तो उस समय 500 करोड़ रुपए ये जो देव नारायण योजना के लिए मैंने रखा था वो विकास डांग विकास के लिए था। क्योंकि मैंने कहा कि ये डांग ऐसा उजाड़ है, यहाँ खड़े हो जाओ तो कुछ नहीं है, मीलों दूर कुछ नहीं। मैंने कहा बेचारा अगर सड़क पे आपको राम राम करने भी आता है तो आपने ट्रैक्टर ट्रॉली में सबको बिठा के 2 किलोमीटर की दूरी से आपके पास आएगा। गाँव ही नहीं जो स्थिति है, पत्थर ही पत्थर सब दूर। अभी मैं बोले कि अंदर मालूम नहीं आप लोग उसके खान छोटे खानों का क्या होता है वो भी अपने मान पड़ेगी। पर मैं आपको कह रही हूँ इस बार गलती मत करना, सब यहाँ आगे आराम से काम को बैठे तो ध्यान में आएगा बात आई कि नहीं आई। आ रही है साहब, चश्मा ही पहनना पड़ेगा। आई कि नहीं आई बात आई ना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जब सरकार अपनी नहीं है तब तो झोली भरो और जब सरकार अपनी है तो बैठ जाओ कोने में। ये गलती मत करना भैया कोई भी, क्योंकि इतना सारा काम है, पैसा है, कोई कमी नहीं है। वो डांग विकास योजना को लग जानी चाहिए थी तो पूरा ये डांग अपना ये 3 जिले में तो जाता है, सवाईमाधोपुर, धौलपुर और करौली, ये 3 जिले के अंदर ही आपका डांग है। इस डांग का अगर पैसा लग जाता तो यहाँ तो चमन ही हो जाता है। और मैं देख रही हूँ कि इतना जोरदार अपन ने सर्वत्रा का जो दिया उसके 12 गांव जहाँ मैंने छोड़ा वही चले रह गया, वही चले रह गया। वो बिल्डिंग नहीं बना, सेवर का पुल भी नहीं बनेगा। अपने को ये सब काम अगर करने हैं भैया तो ये गलत मत कर। ये तुम्हारा ना ये सब जात के झगड़े और मजहब के झगड़े, इन सब झगड़ों के अंदर ये पूरे क्षेत्र का सत्यानाश और इस क्षेत्र का सत्यानाश के साथ साथ हम सब ये जो बैठे हुए हैं सब परिवारों का नाश। अभी बच्चे मिले मेरे को रस्ते में, कहते हैं साहब यहाँ हम तो यहाँ एक दफा आप ग्वालियर भेज दो, आगरा भेज दो पढ़ने के लिए, उसके बाद तो हमें इस नरक में वापस लौटना ही नहीं है, ये बच्चे कहते हैं। तो अपने को क्षेत्र ऐसा बनाना है जहाँ बच्चे वापस आए, जहाँ खाने को मिले, रोजगार मिले। 5 साल के अंदर हम लोगों ने 10 लाख नौकरियां जब दी तो इसका मतलब है कि अपन कर सकते हैं। और इसमें सब जात को सब मजहब को साथ लेकर चलना है तभी विकास होगा, नहीं विकास नहीं होने वाला है। अपन ने सब देख लिया, इसको उससे लड़ा दिया, उससे लड़ा दिया, ऊपर एमएलए बन गए, एमएलए बन के कुछ काम नहीं। इस बार अच्छे लोग हों, सरकार से जुड़े लोग हों,
ऐसे लोग हों जो काम निकाल निकाल के अपने क्षेत्र के अंदर ला के और मेरी जिम्मेदारी के नीचे वो काम करके पूरा कर देंगे, तो मैं जानती हूँ कि 5 साल के अंदर कुछ तो राहत आप लोगों को मिलेगी। तो तैयार हो तो आ जाओ सब साथ में। मेरा विश्वास है कि आने वाले महीने के अंदर चूक नहीं होगी इस बार, ठीक है ना। पूरा ही अपना परिवार है, इस सबको बहुत सारा प्यार है। महारानी वसुंधरा राजे जिंदाबाद। थोड़ी सी हिम्मत रखो,